आसवा पूर्व अमित शाह दम्भोक्ति एक सतर लोकसभा आसन जितना नहीं केन्द्र गृहमंत्री बड़ दावी पूर्व शाह सरकार गठन करजेपी राज्य में सत्ता परिवर्तन पर बीजेपी लगाई सबु शक्ति बारंबार ओडिशा आसी रोड शो जनसभा कर प्रधानमंत्री आकाश पाताल एक करड्डा गडकरी राजनाथ समेत बीजेपी बड़ बड़ नेता इस बार निश्चित रूप से हम 17 सीटें के आसपास लोकसभा में प्राप्त करने जा रहे हैं और नया मुख्यमंत्री जो बनेगा 4 तारीख के बाद उड़ीसा में वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान कर सकते हैं आप? नहीं, मैं नहीं कर सकता, पार्लियामेंट्री बोर्ड कर सकता है। इतना आत्मविश्वास कहां से आता है आपके पास कि आप लोकसभा में? हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम वैकेशन करने नहीं जाते। जातीय गणमाध्यम रे बीजेपी रो चाणक्य तथा केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को ए दम्भोक्ति ओडिशार निर्वाचनी परिवेश रे भरी देछि अधिक उष्मता। या भितरे बुधवार पुणी ओडिशा आसुछंति अमित शाह। कटक रे शाहक विशाल रोड शो अपराह्न 4:00 रु गोपबंधु बागरु आरंभ होई चंडी मंदिर जाय हेबो रोड शो। एहा पूर्वरु दिन 12:30 रे आस्कार सरोडा रे विशाल जनसभा को भी शाह करिवे संबोधन। किछि दिन तळे ओडिशा माटीरु बीजेडी सरकार को पाड़ी फिंगि देबाकु शाह देथिले रणहुंकार। ओडिया भाषा संस्कृति साहित्य और अस्मितार गौरव पई पूर्ण बहुमत रे बीजेपी सरकार गठन पई देथिले आह्वान। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां नवीन बाबू की सरकार को उखाड़ कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। ओडिशा की भाषा संस्कृति धर्म और साहित्य के गौरव के लिए ओडिशा में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट। ओडिशा रे बहुची परिवर्तन रहवा एथिपई बीजेपी फोकस रे ओडिशा केवल 400 पार नहे एथर ओडिशा रे पूर्ण बहुमत रे हेबो बीजेपी सरकार। एथिपई बीजेपी लगाई देछि सब शक्ति। प्राय प्रतिदिन ओडिशा आसी जनसभा को संबोधन करुछंती केंद्रीय नेतांक सह विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह समेत बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केन्द्रमंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रमुख घन घन ओडिशा गस्तरे आसी आकाश पाताल एक करुछंती विश्वर सर्वबृहत राजनैतिक दलर बड़ बड़ नेता। यहाँ में तो मेरा लगता है कि जो माहौल है वो माहौल क्लियर आपको बता रहा है कि उड़ीसा इज नाउ लुकिंग फॉर अ चेंज। उड़ीसा सेंस का तरफ आगे बढ़ रहा है, वो दिखाई देता है, क्लियर है। अभी अगर आप उड़ीसा को आगे ले जाना चाहते हैं, उड़ीसा को भारत का नंबर वन प्रदेश बनाना है तो आपको परिवर्तन होना ही पड़े। 17 तारीख रे पुणी उड़ीसा आसी सुंदरगढ़ हिंजिली और पद्मपुर जनसभा को संबोधन करेंगे जेपी नड्डा। आसंता 20 तारीख रे पुणी उड़ीसा आसुछंती प्रधानमंत्री। पुरी रे रोड शो सह अनुगुल कटक रे विशाल जनसभा करेंगे मोदी। पूर्वरु भुवनेश्वर विशाल रोड शो एवं गोटे दिन रे 3 जनसभा करी ओडिशा रे बीजेपी सरकार गठन ने ग्यारंटी देछंती मोदी। ओडिशा रे प्रथम थर हेव डबल इंजन सरकार। 4 जून बीजेडी की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, मान लीजिए। भाइयों बहनों, 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। ओडिशा रे प्रथम पर्याय मतदान सरीवा बेले यार फलाफल को नहीं आरंभ हो जाएगी बयानबाजी। बीजेडी नेता पांड्यान को अनुसार तांको दल क्लीन स्वीप करिबो, किंतु बीजेपी राज्य निर्वाचन प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार दृढ़ोक्ति करिछंती प्रथम पर्यायर 28 रु 18 विधानसभा और 4 लोकसभा आसन जितिबो बीजेपी। इन फर्स्ट फेज बीजू जनता दल इज विनिंग मिनिमम 24 सीट्स आउट ऑफ 28 सीट्स। लास्ट टाइम वी हैड गॉट 20 सीट्स, दिस टाइम पीपल का जोश, नवीन बाबू का वेव इज देयर, सो वी शुड बी विनिंग मोर देन 24 सीट्स आउट ऑफ 28 सीट्स। In 2 seats there is competition with Congress and 1 seat are it's competition with BJP. That's how it is. चारों लोकसभा जीतने जा रहे हैं और 28 में से 18 विधानसभा हमारी जीतेंगी। 28 विधानसभा 28 में से 18 18 जीतेंगे। टोटल कितना?
टोटल 28 है ना, तो 18 हम जीतेंगे और चारों लोकसभा जीत। बीजेपी तो अपना कहेगा, उसे कहने दो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ स्पष्ट बहुमत यहाँ की ओडिशा प्रदेश में भी आएगा असेंबली में। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। मोबाइल फोन और संगसाथी आपण पिलाटीर पाठ पढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुचि कि आपण से बिव्रत कि तेज आज ही आसतु आपण चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।